हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च के अगले टॉपिक के बारे में, यानी कि रिसर्च इथिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिसर्च इथिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से अब तक बहुत से क्वेश्चन आए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन दिखाऊंगा कि रिसर्च इथिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और रिसर्च से रिलेटेड हमने पहले भी दो वीडियो डाली है, आप वो दो वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। दोस्तों सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रिसर्च इथिक्स होती क्या है। दोस्तों इसे हिंदी में हम शोध नैतिकता कहते हैं, ठीक है। नैतिकता का मतलब जैसे कि हम सभी को पता है कि कोई हम कार्य कर रहे हैं तो हम कितनी ईमानदारी से उसे कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम नैतिकता कहते हैं। तो यही बात अपनी रिसर्च के अंदर आती है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो कितनी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसमें। देखिए ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जून 2012 का, इसके अंदर हम बात करें, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, ये है, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती, ठीक है। तो इसके अंदर हमें काफ़ी तरह के ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है व्यक्ति व्यक्तिपरकता, यानी कि सब्जेक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारी पर्सनल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी कि मान के चलो हमें सैम्पलिंग करनी है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी एक गांव में गए वहां पे हमें, या मान के चलो कि 20 सैंपल लेने हैं, तो ये नहीं करना कि हमें अपनी सुविधा के अनुसार हमने अपने जान पहचान के लोगों से कर लिया और एक ही जगह से सारे के सारे सैंपल ले लिए, ठीक है। यानी कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, उसमें अपना जो स्वार्थ जो कहते हैं ना वो स्वार्थ उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं हम इसमें से किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, यह है दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन दिया है, बेहतर शोध नैतिकता से अभिप्राय है, यानी कि जो बेस्ट शोध नैतिकता है रिसर्च इथिक्स है वो क्या है। इसमें इसने जो आंसर दिया है वो है कि केवल किसी पीएचडी शोध छात्र को ही विशेष शोध समस्या सौंपना, ठीक है। दोस्तों अगर आप ये सारे के सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो इसके अंदर जो बेस्ट आंसर है वो यही है कि हम जब भी कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हमें उसी व्यक्ति को देनी चाहिए कि जो पीएचडी का छात्र हो और स्पेशल उसे उसके बारे में जानकारी हो, तो उसी को हमें देनी चाहिए। आप इन ऑप्शन को पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन बी इसका आंसर क्यों है, ठीक है। तो चलिए अब हम और देखते हैं। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसर्च इथिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं और जुलाई 2018 के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन है अगला, ये है जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर 59 नंबर क्वेश्चन है, ये है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है, यानी कि हमें क्या करना है इसके अंदर कि जो शोध नैतिकता है उसकी बेस्ट कैटेगरी हमें पता करनी है कौन सी है, ठीक है। तो वही बात है कि ये सभी के सभी ऑप्शन पढ़ोगे आप तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है, साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। यानी कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो वो किस तरह की होनी चाहिए कि साहित्य की समीक्षा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि पहले किस तरह की रिसर्च हो चुकी है, जिस फील्ड में हम रिसर्च करना चाहते हैं उसमें पहले किस तरह की रिसर्च हो चुकी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं और इधर जैसे कि हमने बताया यहाँ पे इंग्लिश में दिया है तो इंग्लिश के स्टूडेंट भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। और देखते हैं हम रिसर्च से किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित कथनों की सूची से उस सेट को चिन्हित कीजिए जिसका शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि रिसर्च इथिक्स में जिसमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वो बातें हमें इसमें से सिलेक्ट करनी है। दोस्तों जब आप इस इन सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे तो इनका जो आंसर आएगा, जो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, वो कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, एक हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, और एक सिक्स्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको पढ़ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों मैं इसका नोट्स भी आपको दे दूंगा रिसर्च इथिक्स के बारे में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स मिल जाएगा। उसका इसके रिसर्च इथिक्स के नोट्स का जो लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप रिसर्च इथिक्स के बारे में जितनी भी बातें वो आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम और देखते हैं कि रिसर्च इथिक्स से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों एक बात तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि रिसर्च इथिक्स करना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आप अच्छे से कर लेना, इसमें से लगभग हर बार क्वेश्चन आ जाता है। दोस्तों हम आपको यहाँ पे बता दें कि हमने 2012 से लेके जुलाई 2018 तक सेपरेट टॉपिक वाइज पेपर फर्स्ट की पीडीएफ बना रखी है, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से आज तक जितने क्वेश्चन आए वो अलग है, रिसर्च के अलग है, कम्युनिकेशन से आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो अलग कर रखे हैं, जिनको आप देख के पता कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और हमारी इस पीडीएफ से दोस्तों जुलाई 2018 में 18 क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो कॉपी आए थे, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको मिलेगी, ठीक है, और इस पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से अगर कोई ये पीडीएफ लेना चाहे तो वो ये पीडीएफ ले सकता है। देखिए दोस्तों, ये जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है कि शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है। ठीक है, इन्होंने पूछा हुआ है कि जो रिसर्च इथिक्स है वो रिसर्च के कौन से स्टेप के अंदर सही मानी जाती है, ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि आप प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में, यानी कि जब हम सैम्पलिंग वगैरह कर रहे हैं तब। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि रिसर्च इथिक्स से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये है अपना नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 इन्होंने दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। तो हमें बताना है कि शोध नैतिकता का मुद्दा इनमें से कौन सा हो सकता है। तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना। ठीक है, तो एक चीज़ देखो दोस्तों, यहाँ पे इसने क्या है कि ये नवंबर 2017 में भी आ लिया और जनवरी 2017 में भी आ लिया। ठीक है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये शोध नैतिकता से रिलेटेड जुलाई 2018 में भी क्वेश्चन आया है। ये देखिए जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है और जो अभी हुआ है हम काफ़ी लोगों ने दिया है। ठीक है, इसमें देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है, शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों आप कि हमारे लिए रिसर्च इथिक्स करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग हर बार इसमें से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। दोस्तों अगर हम रिसर्च करने बैठे तो रिसर्च बहुत बड़ी है, इसके अंदर बहुत से टॉपिक है। ठीक है, लेकिन हमें ये चीज़ें देखनी है कि कौन सी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे तो हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों इस शोध नैतिकता के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी अपना एग्ज़ाम होने से पहले। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने वो वीडियो देखी तो उनको फ़ायदा ज़रूर हुआ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रिसर्च इथिक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला होगा,
और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर मेरे से कुछ गलत कहा गया हो, कोई क्वेश्चन गलत बताया गया हो तो उसके लिए भी हमें ज़रूर बताइए। और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी हमें बताइए, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।